छोटी सी टिटिहरी और विशाल समुद्र। समुद्र के तट पर एक स्थान पर एक टिटिहरी का जोड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद टिटिहरी ने गर्भ धारण किया और जब उसके प्रसव का समय आया तो उसने अपने पति से कहा, कांत, अब मेरा प्रसव काल निकट आ रहा है, इसलिए आप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज कीजिए जहां मैं शांतिपूर्वक अपने बच्चों को जन्म दे सकूं। उसकी बात सुनकर टिटिहरी बोला, प्रिय, समुद्र का यह भाग अत्यंत रमणीय है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे प्रसव के लिए यह स्थान उपयुक्त है। यहां पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, उसमें तो बड़े बड़े हाथी भी बह जाते हैं, अतः हमें यहां से दूर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहिए। वाह, तुम भी क्या बात करती हो, समुद्र की क्या शक्ति कि वह मेरे बच्चों को बहाकर ले जाए। तुम निश्चिंत होकर यहीं पर प्रसव करो। पराजय या तिरस्कार के भय से अपने स्थान को त्याग देने वाले कायर व्यक्ति को जन्म देकर यदि उसकी माता स्वयं को पुत्रवती समझती है तो फिर बंध्या कौन सी स्त्री कही जाएगी। समुद्र भी टिटिब के वचन सुन रहा था। वह सोचने लगा कि इस तुच्छ से पक्षी को भी कितना गर्व हो गया है। आकाश के गिरने के भय से यह अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पड़ा रहता है और सोचता है कि वह गिरते हुए आकाश को अपने पैरों पर रोक लेगा। कौतूहल के लिए इसकी शक्ति को भी तो देखना चाहिए। इसके अंडे अपहरण करने पर यह क्या करता है यह देखना चाहिए। बस अंडे देने के बाद एक दिन जब दोनों टिटिब दंपति भोजन की खोज में निकले तो समुद्र ने लहरों के बहाने उनके अंडों का अपहरण कर लिया। लौटने पर जब टिटिहरी ने अंडों को अपने स्थान पर नहीं पाया तो वह विलाप करती हुई अपने पति से कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था कि इस समुद्र की तरंगों से मेरे अंडों का विनाश हो जाएगा, किंतु अपनी मूर्खता और गर्व के कारण तुमने मेरी बात को नहीं सुना। किसी ने ठीक ही कहा है कि हित चिंतकों और मित्रों की बात को जो नहीं मानता वह अपनी मूर्खता के कारण उसी प्रकार विनिष्ट हो जाता है जिस प्रकार की मूर्ख कुरम काष्ठ से गिरकर मर गया था। धन्यवाद। अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें व वीडियो को लाइक व मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आओ मिलकर सफर तय करें धर्म से अध्यात्म की ओर।